ये दर्शाता है कि शरीर में कितनी फुर्ती और लचीलापन है। हमारे दूसरे शिक्षक साथी भी पीछे नहीं है मामले में, आप देख रहे हैं। अभ्यास के द्वारा जो है तालियां बजती रहनी चाहिए इनके प्रयास के लिए। महावीर सर भी वो करते हैं, एकादशासन आपके द्वारा भी प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि ये आसन किस समय बता रहा हूँ, विशेष निगरानी में ही करने हैं। बहुत अच्छा। यह सीएम राइज स्कूल बरगवां के योग शिक्षक हमारे अधिक विद्वान साथी महावीर जी के द्वारा दी जाएगी। कौन सा आसन है? थोड़ा हलासन। हलासन देखिए, हलासन हल की आकृति, शरीर में तीन तरफ से झुकाव हम स्पष्ट देख पा रहे हैं। सिर की स्थिति देखें, कमर एकदम सीधी और पैरों की स्थिति देखें। ये आसान नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अभ्यास के द्वारा, कई वर्षों का अभ्यास रहा है इनका, शरीर के सभी जोड़ में रक्त का संचार। तालियां बजाइए, ये हल आसन है। धनुष की मुद्रा देखिए, और धनुष में चाप को चढ़ा दिया गया है, ये देखिए। तालियां बजाइए, इसको धनुरासन बोलते हैं। बहुत ही कठिन है, शरीर के लचीलेपन पर ही ये आसन आप साध पाएंगे। ये देखिए देखिए इस आसन को देखें, अपने हाथों हथेलियों और पंजों पर स्थिति उसी मुद्रा का आसन है ये, जो कि बहुत ही कठिन, बहुत ही डिफिकल्ट है। आइए हम लोग देखते हैं सामने की तरफ कर देंगे, सब देखिए गर्भाशन की स्थिति है, बहुत ही कठिन है ये। तालियां फिर भी कम बज रही है। ये देखिए, ये गर्भासन की आदर्श स्थिति, माँ के गर्भ में बच्चे की यही स्थिति। इतने प्रशिक्षित, इतने कुशल निर्देशन वाले योग गुरु तुम लोगों के बीच में हैं, इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हैं। अभी ताड़ासन वातासन, इस आसन को देखिए, जो कर सकते हैं सहजता से वो करें भी। देखिए ये वही वाला आसन, जो कर सकते हैं, ध्यान रखें बगल वाले का, गिरे ना उसके ऊपर। प्रवीण जो है अपने नाम को सार्थक करते हुए योग क्रियाओं में प्रवीण हो चुके हैं, इसलिए प्रवीण है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि इसी आसन में बरसों तपस्या किया करते, एक पैर पर खड़े हो गए। ये देखिए शरीर के लचीलेपन को देखिए, तालियां बजती है।